नमस्कार मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बेस्ट एलआईसी प्लान के चैनल पर। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन किरण प्लान के बारे में, जो कि टेबल नंबर 870 है। ये मित्रों कल ही लॉन्च हुआ है, जो कि इसमें क्या क्या खासियत है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये किस लिए लॉन्च किया गया है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, इसके हम फीचर्स के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो फीचर्स मिलते हैं हमें, सो ये प्लान मित्रों कल से लॉन्च हो चुका है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया था। और इस प्लान में मित्रों आपको नॉन लिंक प्लान देखने को मिलेगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग रहता है ये। और साथ ही साथ इस प्लान में आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लान देखने को मिलेगा। ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें कि आपका जो पैसा है वो भी वापस कर दिया जाता है। वो अगर आगे हम जानेंगे कि कैसे वो होगा, प्लान कैसे वर्क करता है एग्जांपल के साथ। तो नेक्स्ट जो है आ जाता है इसमें जो फीचर्स है, वो यहाँ पे दो लोगों के लिए रखा गया है, जिसमें कि आपके पास ऑप्शन वन है कि आप नॉन स्मोकर हैं या स्मोकर हैं, उसके हिसाब से जो प्रीमियम होगा वो रखा जाएगा या दिया जाएगा। अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो उसके लिए एक टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट, जो कि आपको देना होगा, उसके ज़रिए ही पता लगेगा कि आप नॉन स्मोकर हैं या स्मोकर हैं। इसका जो पैसा है वो हमारी LIC ही पे करेगी, आपको इसमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सम अश्योर्ड ऑन डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म दे दिया जाएगा। अगर बाई चांस आपकी डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म में, तो वो पैसा आपकी जो भी नॉमिनी रहेगा उनको या फैमिली को दे दिया जाएगा। और अगर पॉलिसी पूरी हो जाती है तो उस केस में आपका जो भी प्रीमियम रहेगा वो विदाउट टैक्स आपको वापस कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, इस प्लान की बेनिफिट्स क्या क्या है, अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो अगर जो प्रीमियम मिलेगा आपको वापस, उसमें से जो राइडर प्रीमियम लेते हैं अगर आप, और जो टैक्सेस होंगे वो अलग करके आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। सेम सिंगल प्रीमियम में भी वही रहेगा कि जो भी आपका एक्स्ट्रा टैक्सेस है और एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो काट के आपको सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। अगर आपकी इन केस पॉलिसी टर्म में डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको 7 times ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या तो 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, जितना भी आप पे कर चुके हो 105% ऑफ उसका, या तो बेसिक सम अश्योर्ड आपको दे दिया जाएगा इन केस ऑफ डेथ, अगर बाई चांस डेथ हो जाती है। और वहीं अगर हम सिंगल प्रीमियम की बात करें, अगर आपने सिंगल प्रीमियम दिया है तो उसमें 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम आपको दे दिया जाएगा, या तो आपका जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो दे दिया जाएगा। वहीं अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो उस केस में आपकी जो एलिजिबिलिटी आती है, मिनिमम एज एंट्री 18 साल है, और वहीं अगर हम मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो वो 65 years 65 साल है। अगर इसमें मैच्योरिटी की बात करें कि मिनिमम एज कितनी हो चाहिए, तो उसके लिए 18 वर्ष होने ज़रूरी है। अगर आप मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो उसमें आपको 85 साल होना ज़रूरी है। वहीं अगर पॉलिसी टर्म की बात करें तो इसमें आपको 10 से लेकर 40 साल तक का पॉलिसी टर्म देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो वो भी 10 से 40 साल रहेगा। जितना भी आप ईयर इसमें लेते हैं, लाइक आपने 20 साल ले लिया है टर्म, तो उसमें आपको 20 साल ही पैसे पे करना होगा, या तो आप सिंगल प्रीमियम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें मिनिमम इंस्टॉलमेंट की, कितना आप मिनिमम पे कर सकते हैं, तो उसमें मिनिमम 3000 है, और जो मिनिमम सिंगल प्रीमियम है उसके लिए 30,000 है। अगर आप मिनिमम सम अश्योर्ड की बात करें तो आपको कम से कम 15 lakh का सम अश्योर्ड लेना होगा, और जिसमें मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। जैसे आपके ऊपर है, आपकी जो इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तक ले सकते हैं। अगर आप बड़ा प्रीमियम लेते हैं, बड़ा सम अश्योर्ड लेते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, जो कि हम आगे बात करेंगे। अगर हम बेसिक सम अश्योर्ड की रेंज की बात करें, तो जो 15 से 40 lakh तक का रहेगा, उसमें आप 1000 के मल्टीपल में ले सकते हैं, और अगर आप 40 लाख से ऊपर जाते हैं 1 crore तक, तो आपको 10 lakh के मल्टीपल्स में लेना होगा। और उससे अगर 1 crore से लेके अगर आप 4 crore तक देते हैं, तो आपको 25 lakh के
मल्टीपल्स में देना होगा, और 4 लाख 4 करोड़ के ऊपर 50 लाख के मल्टीपल्स में देना होगा। अगर हम राइडर्स की इसमें बात करें तो जो सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर आपको मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको एक्सीडेंट डेथ डिसेबिलिटी फॉर सिंगल, अगर आप सिंगल प्रीमियम लेते हैं तो उनके लिए भी ये राइडर मिल जाता है। और अगर आप एक्सीडेंट बेनिफिट लेना चाहते हैं रेगुलर प्रीमियम में तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये एक्सीडेंट बेनिफिट आपको सिंगल प्रीमियम में नहीं मिलता है। इसमें आपको सेटलमेंट ऑप्शन भी मिल जाता है कि अगर आप जो मेच्योरिटी है उसको डिवाइड में करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, या जो नॉमिनी को पैसा मिलना चाहिए वो अगर आप सेटलमेंट में चाहते हैं तो वो भी मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा, और अगर आप सरेंडर करा सकते हैं तो कभी भी करा सकते हैं सिंगल प्रीमियम में। रेगुलर प्रीमियम की बात करें तो उसमें आपको 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा। सो अब हम देख लेते हैं कि ये प्लान कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इलस्ट्रेशन है वो हमारे पास आ गया है, जिसमें एज जो है वो 40 साल ली गई है एक पर्सन की, उसके लिए जो पॉलिसी टर्म है वो 20 साल है, उसी तरह जो प्रीमियम पेड टर्म है वो भी 20 साल ही रहेगा। जो बेसिक सम इंश्योर्ड लिया गया है वो 50 लाख का लिया गया है। ये नॉन स्मोकर है, ये सिगरेट वगैरह नहीं पीता है, नशे नहीं करता है। जो ईयर मोड है इसमें वो ईयरली लिया गया है, उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 48,000 इसमें आपको पे करना होगा। GST एप्लीकेबल होगा जब आप ये प्लान ले रहे हैं, उस वक्त क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से इसमें एड ऑन होगा। अब अगर हम नीचे देख लेते हैं बेनिफिट समरी में, तो यहाँ पे देखेंगे आप पॉलिसी टर्म यहाँ पे 1 से 8 तक है, इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसमें आपको 9 से 20 तक दिख जाएगा। एनुअलाइज प्रीमियम जो है दिख रहा है आपको, ये पहले साल ये रहेगा, फिर इसमें एड ऑन हो गया, वैसे ये एड ऑन होता जा रहा है 48,000 48,000, इस वजह से ये बढ़ रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें ये दिखा रहा है कि आपने दूसरे साल तक कितना पैसा दे दिया है, तीसरे साल तक कितना पैसा दे दिया है, 6वें साल आपने 2,88,000 दे दिया है, 8वें साल 3,84,000 दे दिया है। यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट है वो आपको 50 लाख का रहता है। मिनिमम गारंटेड सरेंडर, अगर आप सरेंडर कराते हो तो ये अमाउंट आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे 9 से अगर हम 20 साल के देखेंगे तो 20वें साल आपने 9,60,000 आप LIC को दे चुके हो, और बदले में अगर आपकी इन केस बीच में डेथ हो जाती है तो 50 लाख का कवर आपको देती है सरेंडर। उसके बाद आप लास्ट तक आकर भी अगर आप सरेंडर कराना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है, और अदरवाइज जो भी आपका आपने टोटल प्रीमियम दिया होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। प्लस 50 लाख का आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर भी मिल गया, और साथ ही साथ आपको जो आपने पैसा दिया था वो भी आपको वापस मिल गया है। अब वहीं अगर हम सिंगल प्रीमियम की बात करें तो इसमें आपको सस्ते में एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। लाइक यहाँ पे भी टोटल 20 साल के लिए प्लान लिया गया है, लेकिन जो प्रीमियम है वो सिंगल प्रीमियम बजाय कि रेगुलर प्रीमियम देने की है। यहाँ पे आपने पहले साल 3,14,000 दिए हैं, और उसके बाद कोई भी पैसा नहीं पे करना है, लेकिन आपको जो बेनिफिट है वो प्रॉपर मिलता है, 50 लाख का ही आपको 20 साल के लिए मिलेगा, और जो आपका 3,14,14,000 है ये आपको 20वें साल वापस भी कर दिया जाएगा। मिनिमम इसमें अगर आप सरेंडर कराते हैं तो 2,35,000 आपको मिलेगा, लेकिन ये आपके टाइम टू टाइम भी वेरी कर सकता है कि कब आप इसको सरेंडर करा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आपकी अगर एज डिफर करती है, लाइक आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, या 50 साल के हो, 60 साल के हो, तो क्या मेरे को 20 साल पे ही ले लेना चाहिए, क्या मुझे 30 साल पे लेना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा, क्या हमें 10 साल का लेना चाहिए या 20 साल का ले लेना चाहिए या 40 साल के लिए लेना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर आप 20 साल की उम्र है आपकी और अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं तो 20,000 आपको ईयरली पेमेंट करनी होगी 10 साल के लिए। लेकिन वहीं अगर हम 30 साल के लिए लेते हैं तो वो 8,000 हो जाती है, और वहीं अगर हम 40 साल के लिए लेते हैं तो 8,280 रुपये। तो सजेशन रहेगा कि आप
40 साल के लिए इस प्लान को लें, अगर आप देखेंगे 40 साल की उम्र में है अभी किसी की, तो उसके लिए अभी 35,000 का मिल रहा है, लेकिन अगर वो 10 साल के लिए लेता है। लेकिन वहीं अगर वो 40 साल के लिए लेता है तो वो उसको सिर्फ आधा ही पे करना होगा, 21,000 ही पे करना होगा उसको। वहीं अगर कोई 30 साल का है तो उसको 12,000 ही पे करना होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलें, ताकि आपको ये सस्ता भी पड़े और इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको लॉन्ग टर्म मिल सके। वहीं अगर हम सिंगल प्रीमियम की बात करें तो सिंगल प्रीमियम में भी अगर आप देखेंगे तो 20 साल का कोई पर्सन है, अगर वो 10 साल के लिए लेता है तो उसको 50,000 देने पड़ेंगे एक बार में। लेकिन वहीं अगर वो 40 साल के लिए प्लान ले लेता है तो उसको 30 साल का प्लान सिर्फ और सिर्फ 27,000 में मिल रहा है, जबकि 10 साल के लिए उसको 50,000 का मिल रहा है। तो ऐसा ये आप इलस्ट्रेशन दिखा के सामने वाले को बता सकते हैं। वहीं अगर हम इसमें स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इस स्पेशल फीचर्स में आपको सबसे पहले सिंगल प्रीमियम मोड मिल जाता है, जिसमें आपको कम पैसे देने हैं और आपको ज़्यादा इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। इसमें आपकी जो पॉलिसी लैप्स होने का भी खतरा नहीं रहता है, आपकी पॉलिसी कभी भी बंद नहीं होगी। इसमें आपको मिल जाता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिल जाता है, उसमें आपको 1 रुपये में एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल जाता है पर 1,000 के ऊपर, और जो एक्सीडेंट बेनिफिट है वो 50 पैसे पर 1,000 में मिल जाता है। फोर्थ आ जाता है हमारा प्रोविजन टू टेक मेच्योरिटी अमाउंट एज अ पेंशन फॉर 5 ईयर्स। अगर आप जो मेच्योरिटी है उसको 5 साल के लिए एज अ पेंशन भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोविजन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स 5 ईयर्स, बेस्ट प्रोविजन कम्प्लीट चिल्ड्रन हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। लाइक अगर आप का कोई बेटा या बेटी है जिसकी अभी वो छोटा है, तो उसके आप हायर स्टडी या और किसी चीज़ के लिए भी आप ये ले सकते हैं 5 साल का, तो उसको जो भी मेच्योरिटी है। लाइक अगर 50 लाख का प्लान ले लिया तो उसको हर साल 10-10 लाख रुपये मिलेंगे उसकी पढ़ाई के लिए। डिस्काउंट इन प्रीमियम फॉर द नॉन स्मोकर्स, अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो जो भी नॉन स्मोकर है, जो नशे वगैरह नहीं करते हैं, जो स्मोकर्स नहीं है, उनको LIC कुछ ज़्यादा डिस्काउंट देगी। वहीं अगर हम बात करें कितना तक, तो अप टू 50% आपको रेगुलर प्रीमियम मिलेगा और सिंगल प्रीमियम में 40% तक आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लॉन्ग टर्म ले रहे हैं उसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। अगर आप सिंगल ले रहे हैं तो उस केस में भी आपको 40% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। ये प्लान मित्रों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।